जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में, साथ ही देखेंगे एक ब्रेकआउट स्टॉक पोजिशनली विद देयर प्राइस एक्शन एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था, काफ़ी टाइम से एक अच्छा खासा आपको अप मूव देता हुआ आ रहा है। आज मैं इसका एनालिसिस डेली चार्ट से शुरू कर रहा हूँ, बिकॉज डेली चार्ट पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि किस तरह से इसने एक लॉन्ग साइड पे अच्छा खासा बुल रन दिया है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो ये जो अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट दिया था वो स्लो डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से निफ्टी थोड़ा बहुत साइडवेज या अपना मूवमेंट स्लो डाउन कर सकता है बिफोर मूविंग एनी फर्दर। तो निफ्टी में, क्योंकि कल एक वीकली एक्सपायरी भी है, तो आप उस तरह अपना ट्रेड थोड़ा ध्यान से लेकर चलें। बैंक निफ्टी का भी एक बार डेली चार्ट डिस्कस करते हैं, देन वील गो टू दी 15 मिनट चार्ट एनालिसिस। बैंक निफ्टी में मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बताने वाला हूँ, इसको प्लीज़ मार्क करके रखिए। आने वाले दिनों में ये आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा। बैंक निफ्टी में जो 36,300 का लेवल है, जिस भी दिन आपको बैंक निफ्टी ये लेवल क्रॉस करता हुआ दिखे, यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी, तो दैट इज़ अ डे दैट आप इंट्रा डे में भी अच्छी खासी कॉल ले सकते हैं। वहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि सिमिलर टू निफ्टी, ये देखिए सिमिलर टू निफ्टी, यहाँ पर जैसे निफ्टी ने कंसोलिडेट किया था, ठीक उसी तरह से आपको यहाँ बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब भी ये ब्रेकआउट देगा, जैसा यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, ठीक उसी तरह से जब भी आपको बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट देगा, दैट इज़ द डे आप इसको अच्छे से कैपिटलाइज कर सकते हैं। 36,300 इज़ दैट इम्पॉर्टेंट लेवल। तो चलिए चलते हैं इसको अब हम डेली चार्ट पे, सॉरी 15 मिनट चार्ट पे एनालिस करके देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो निफ्टी में अगर आप देखें, जस्ट लाइक आई हैड गिवन, कि यहाँ पर आपको रेगुलरली कंटिन्यूसली पॉजिटिव रनअप मिल रहा है, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपके साथ एक बार शेयर कर लेता हूँ। सबसे ज़रूरी लेवल है जो आज का स्विंग बनाया था, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि 16,500 का लेवल है। ठीक उसी तरह से आपका एक कंसोलिडेशन लेवल जो आया था बीच में, दैट इज़ 16,550 का लेवल, ये भी एक इंटरिम सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से अगर आपको निफ्टी का रनअप कंटिन्यू होता हुआ मिलता है, तो आप थोड़ा क्लोज स्टॉप लॉस रख के चलिए, बिकॉज यहाँ से थोड़ा साइडवेज या रिवर्सल मूव आ सकता है। कल क्योंकि एक्सपायरी है वीकली, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ साइडवेज मूव, एंड ब्रेकआउट अगर आपको देखने को मिलता है तो एंड टूवर्ड्स द एंड आपको देखने को मिल सकता है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊँगा मैं आपको, जस्ट बिकॉज एक्सपायरी है, एक्सपायरी में अगर आपको 230 के बाद मार्केट नीचे जाती हुई दिखे, तो दैट इज़ द टाइम आपको एक रिवर्सल देखने को मिलता है। दिस यूजुअली हैपन्स ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, तो आपको अराउंड 2:45 या 3 बजे के आसपास ये रिवर्सल देखने को मिलेगा। इस रिवर्सल में आप एट द मनी कॉल ले सकते हैं। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये हीरो ज़ीरो कॉल होगा, यहाँ पर आपका एंटायर कैपिटल कैन बी ज़ीरो। तो डू ट्रेड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज। जब आपको ये रिवर्सल देखने को मिलता है आफ्टर 2:30, वहाँ पर आप एट द मनी कॉल ले सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल जाता है, स्पेसिफिकली इन बैंक निफ्टी। तो ये बैंक निफ्टी के लिए स्पेसिफिक है, तो वहाँ पर आप इसको लेकर चल सकते हैं, इसको ट्राई आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये मैं काफ़ी हफ्तों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि दैट टूवर्ड्स द एंड आपको एक ऐसा मूव देखने को मिल रहा है आफ्टर 2:30 अराउंड 3 o'clock के करीब। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए निफ्टी में कल के ट्रेड के लिए, टू इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ सपोर्ट। तो यहाँ पर अगर साइडवेज मार्केट होती है तो ट्रेड वेरी केयरफुली इन निफ्टी। चलिए देखते हैं एक बार बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी आज थोड़ा गैप डाउन खुलकर कंटिन्यूसली एक डाउनवर्ड मूव दिया था बैंक निफ्टी ने, एंड सपोर्ट इसने लिया था अराउंड 35,800 के लेवल्स पे इसने सपोर्ट लिया है। दिस इज़ द लेवल जो मैंने आपको कल भी बताया था कि 35,800 के आसपास हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। जो लेवल्स मैंने आपको कल मार्क करके दिखाए थे, उतना डिप हुआ है मार्केट एंड वहाँ से एक रिवर्सल लिया है बैंक निफ्टी ने। क्लोजिंग अच्छे पॉइंट पे दी है, 35,800-900 के आसपास की क्लोजिंग दी है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए क्या होंगे, आपका कल का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा 36,100 का, जहां पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। ठीक उसी तरह से आपको सपोर्ट लेवल्स पे, आपको 35,700 के लेवल्स पे अच्छा खासा एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है।
टू बी मोर प्रिसाइज मैं आपको बोलूंगा कि इस स्विंग के नीचे आप अगर निकल जाता है बैंक निफ्टी तो वहां पर आपको एक शार्प फॉल भी देखने को मिल सकता है। कल कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी अगर आपका फ्लैट या इन्हीं लेवल्स पे खुलता है या इनसे थोड़ा नीचे खुलता है एंड आपका ये स्विंग क्रॉस कर देता है तुरंत, तो वहां पर आप सेलिंग साइड पे अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। वहीं अगर थोड़ा गैप अप खुलता है एंड रेजिस्टेंस लेवल से नीचे खुलता है तो आपको थोड़ी साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकती है। अगर आपको साइडवेज मार्केट देखने को मिलती है तो वेट फॉर अ ब्रेकआउट, जिस भी तरफ ये ब्रेकआउट करेगा उस साइड का आप ट्रेड लेकर चल सकते हैं। एक्सपायरी डे है, क्वांटिटी अपनी कम रखिए। हीरो जीरो अगर आपको ट्रेड करना भी है तो कीप अ स्मॉलर क्वांटिटी एंड ट्रेड विथ द प्राइस एक्शन। अगर प्राइस एक्शन बनता हो नहीं दिख रहा है, ज़बरदस्ती ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। सेव योर कैपिटल फॉर अनदर डे टू ट्रेड व्हेन यू सी द प्राइस एक्शन। चलिए चलते हैं आज के स्टॉक की ओर। आज का स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड्स। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स अगर आप देखें तो एक सिमेट्रिक ट्राइंगल बनाता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, एंड यहाँ से आपको जब भी ये एक ब्रेकआउट देगा, जब भी यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट नियर टर्म टारगेट इज 1550। तो ये जो 1550 का टारगेट है ये आपका नियर टर्म टारगेट है। जब भी आपको यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है ये अच्छा खासा टारगेट है जो आपको मिल जाएगा। पोजिशनली आप इसको अभी भी बाई करके चल सकते हैं बिकॉज इट इज स्टिल एट अ सपोर्ट लेवल जहाँ पर इस स्टॉक को आप खरीद सकते हैं। फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, आपको लगातार इसने एक स्ट्रॉन्ग मूव भी दिया है। एक शार्प अप मूव के बाद यहाँ पर अब कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ से जब भी ये ब्रेकआउट देगा आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।